नमस्कार, मैं मोनिका राणा, ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के बद्दी में बनेगा स्पुतनिक टीका, जून से शुरू होगा उत्पादन। हिमाचल में विधायकों को गाड़ी पर झंडा लगाने की मंजूरी। कांगड़ा में ब्लैक फंगस का एक और मामला। नादौन में नेपाली ने की आत्महत्या। हिमाचल में फिर से 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हमीरपुर में 1,235 लोगों को वैक्सीन। हिमाचल में शराब होगी सस्ती, डिपो में तेल व दालें हुई महंगी। महाराष्ट्र में नए मरीजों को जाना होगा कोविड सेंटर, होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के बद्दी में बनेगा स्पुतनिक टीका, जून से शुरू होगा उत्पादन। कोरोना के नियंत्रण में 97.6% तक कारगर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का अब हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। पनीशा बायोटेक कंपनी को पहली बार इतनी बड़ी असाइनमेंट मिली है। यहां बनने वाली वैक्सीन की गुणवत्ता की देखरेख रूस से ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि रूस ने भारत में स्पुतनिक वी की 18 मिलियन खुराक भेजने की घोषणा की है, जिसमें मई माह में 30 लाख, जून में 50 लाख और जुलाई में 10 मिलियन खुराक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर की ओर से रूस के RDIF और पनीशा बायोटेक को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। हिमाचल में विधायकों को गाड़ी पर झंडी लगाने की मंजूरी। होटल पीटर होप में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में विधायकों को गाड़ी पर झंडी लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। यह मंत्रियों के झंडे से अलग होगी, इसमें तिरंगा नहीं लगाया जा सकेगा। प्रदेश विधानसभा सचिवालय तय करेगा कि विधायकों के लिए कैसी झंडी होगी। विधायकों को झंडी देने के साथ सरकार ने कोरोना के एक्टिव मामलों पर निगरानी रखने की भी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए कैबिनेट में कमेटी का गठन किया गया है। कांगड़ा में ब्लैक फंगस का एक और मामला। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का छठा मामला सामने आया है। मरीज कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में उपचाराधीन है। जिले में यह तीसरा मामला है, तीनों टांडा में ही उपचाराधीन है। 3 मरीज IGMC शिमला में भर्ती हैं। सोमवार को ब्लैक फंगस का तीसरा मामला आने के बाद टांडा में उसकी भी सर्जरी करके इन्फेक्शन वाले हिस्से को निकाल दिया गया। सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है और उनका उपचार किया जा रहा है। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मामले की पुष्टि की है। जिला कांगड़ा में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं। नादौन में नेपाली मजदूर ने की आत्महत्या। हमीरपुर जिले के नादौन में एक नेपाली मजदूर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसकी पहचान 55 वर्षीय अमर सिंह के रूप में हुई है। मृतक के यहाँ चिकन की दुकान थी। नादौन में सुबह मानखड़ के किनारे उसका शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में फिर से 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करबट लेगा। बीते सप्ताह तावते तूफान की वजह से हिमाचल में बारिश हुई थी, अब दोबारा बादल बरसने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बीते 24 घंटे में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई से 30 मई तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश व चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। हालांकि मैदानी भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हमीरपुर में 1,235 लोगों को वैक्सीन। उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर जिले में सोमवार को कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार सोमवार को जिला में इस आयु वर्ग के कुल 1,235 लोगों को टीके लगाए गए।
जिला में इसके लिए 13 सत्र आयोजित किए गए हैं और टीकाकरण सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य खंड टौणी देवी के अंतर्गत पीएचसी कोट एवं आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र लम्बलू, भोरंज खंड में नागरिक अस्पताल भोरंज एवं पीएचसी महल, बड़सर खंड में पीएचसी चकमोह एवं पीएचसी ननावा, नादौन खंड में नागरिक अस्पताल नादौन एवं पीएचसी धनेटा, सुजानपुर खंड में पीएचसी जंगलवेरी एवं पीएचसी चबूतरा तथा ग्लोड स्वास्थ्य खंड में पीएचसी कांगो तथा पीएचसी धनेड़ में टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। प्रत्येक सत्र में 100-100 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल में शराब होगी सस्ती, डिपो में तेल व दालें हुई महंगी। हिमाचल प्रदेश में शराब जहां सस्ती होने जा रही है, वहीं डिपो में मिलने वाला राशन दिन व दिन महंगा हो रहा है। आलम यह है कि अब लोग डिपो से राशन लेने से कतराने लगे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दी है। इसके तहत अब पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री हो सकेगी। महाराष्ट्र में नए मरीजों को जाना होगा कोविड सेंटर, होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं। कोरोना में मरीजों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए हैं और नए नियम जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब नए कोरोना मरीजों को कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा। कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के ने जानकारी दी कि मौजूदा समय में पॉजिटिविटी रेट 12% है और रिकवरी रेट 93% है। राज्य में अभी 2,245 ब्लैक फंगस के मामले हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के अस्पतालों में महात्मा ज्योतिषवा फुले आरोग्य योजना के तहत ब्लैक फंगस के मरीजों को अब मुफ्त में इलाज होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हेल्पलेस न्यूज चैनल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गरिमा, ये है जागो हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हिमाचल में 59 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 1926 नए मामले आए सामने। गुजरात से हमीरपुर पहुंची ऑक्सीजन प्लांट की मशीनरी। परोर में होगा कोविड रोगियों का इलाज, 250 बेड के मेकशिफ्ट अस्पताल का सीएम ने किया लोकार्पण। हिमाचल को शिक्षा के लिए दिए 8 करोड़, कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जारी की ग्रांट। किन्नौर में नाबालिग से रेप, रिकांगपियो शिमला बिलासपुर से दबोचे आरोपी, 2 गाड़ियां जब्त। फंगस इन्फेक्शन में मरीज के लिए 24 से 48 घंटे अहम। योगी सरकार में फेरबदल की अटकलें तेज, अरविंद शर्मा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। 41 दिन बाद 2 लाख से कम कोरोना मरीज मिले, राष्ट्रीय रिकवरी दर हुई 82.26%। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में 59 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 1926 नए मामले आए सामने। हिमाचल में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,983 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,53,964 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 24,181 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,813 संक्रमितों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 59 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 23, सिरमौर 8, शिमला 6, सोलन 6, मंडी 4, चंबा 4, कुल्लू 3, बिलासपुर 3 और ऊना में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में नए कोरोना मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में आज 1926 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 545, मंडी में 215, शिमला 176, हमीरपुर 165, चंबा 132, ऊना 158, बिलासपुर 163, किन्नौर 115, सिरमौर 119, कुल्लू 84, सोलन 44 और लाहौल स्पीति में 10 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात से हमीरपुर पहुंची ऑक्सीजन प्लांट की मशीनरी। जिला कोविड अस्पताल हमीरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होगा। ये प्लांट जिला आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में लगाया जाएगा। हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पूर्व ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की थी। इसके बाद गुजरात से इस ऑक्सीजन प्लांट की मशीनरी को सोमवार को ही हमीरपुर पहुंचाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 140 LPM है, जो कि 35 से 40 बेड को कवर करेगा। इसकी कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। जून माह के प्रथम सप्ताह में ये प्लांट कार्य करना शुरू कर देगा।
इसे लगाने के लिए बाहर से टेक्नीशियंस आ रहे हैं। इससे पूर्व मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी बीते सप्ताह ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुआ है। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, महामंत्री अभिबीर सिंह लवली, मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा और सह मीडिया प्रभारी विकास शर्मा, अभिषेक जोशी आदि ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट पहुँचाने का हर्ष व्यक्त किया है। परोर में होगा कोविड रोगियों का इलाज, 250 बेड के मेकशिफ्ट अस्पताल का सीएम ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के परोर में कोविड 19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में अस्पताल में 250 बिस्तर क्षमता होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमि प्रदान करने के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्वयंसेवी रोगियों तथा उनके परिजनों को भोजन प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना में क्षमता निर्माण पर बल दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश को ऑक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस कोटे में 10 मीट्रिक टन की वृद्धि करने का आग्रह किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हिमाचल को शिक्षा के लिए 8 करोड़, कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए सरकारी स्कूलों को जारी की ग्रांट। टार प्रोजेक्ट के तहत अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों का विकास शुरू हो गया है। कोविड के बीच केंद्र ने सरकारी स्कूलों के विकास को लेकर 8 करोड़ के बजट की ग्रांट जारी की है। ऐसे में अब जल्द राज्य के प्राइमरी स्कूलों की तस्वीर बदलेगी। स्टार प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूल, चाहे वे शहर के नज़दीकी हों या दूर दराज क्षेत्र के, इनमें सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल को 8 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है, जिस पर शिक्षा विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें सभी स्कूलों से शिक्षा विभाग ने डाटा मांगा है कि किस स्कूल में किस स्तर का विकास की ज़रूरत है। इनमें निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों की सुविधाएं दी जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत पी प्राइमरी स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। किन्नौर में नाबालिग से रेप, रिकांगपियो शिमला बिलासपुर से दबोचे आरोपी, दो गाड़ियां जब्त। किन्नौर की एक नाबालिग लड़की के साथ 6 युवकों द्वारा रिकांगपियो व शिमला आदि कई स्थानों पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किन्नौर पुलिस ने इस मामले में रिकांगपियो व शिमला सहित बिलासपुर से 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक किन्नौर SR राणा ने बताया कि 19 मई को उक्त लड़की के पिता ने रिकांगपियो थाना में लड़की का अपहरण करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला दर्ज करने के बाद 20 मई को किन्नौर पुलिस ने कार्य करते हुए अलग अलग टीम गठित कर प्रदेश के कई स्थानों पर दबिश दी। छानबीन के दौरान लड़की को शिमला के घनाटी से बरामद किया गया। पुलिस ने लड़की से पूछताछ में कई दर्दनाक दास्तानें व्यक्त की। SP ने बताया कि उक्त लड़की ने बताया कि उसके साथ अलग अलग स्थानों पर 6 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया। उन्होंने कहा कि लड़की का मेडिकल जांच किया जाएगा। फंगस इन्फेक्शन में मरीज के लिए 24 से 48 घंटे अहम। कोरोना के बाद अब फंगस इन्फेक्शन ने नींद उड़ा दी है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक स्फेद और येलो फंगस मिलने के बाद खतरा बढ़ गया है। मेडिकल साइंस में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि फंगस पौधों से लेकर पशु पक्षी और मानव शरीर में भी पाया जाता है, जो अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। दांत, खाज और खुजली भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन वो सिर्फ त्वचा को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसे फंगल जो टूथ पैथोजेनिक सिस्टम होते हैं, वे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके बढ़ने से यानी फैलने की तीव्रता अधिक होती है। कोरोना के बाद मिले 3 फंगस उसी श्रेणी के हैं। इन्हें फास्ट ग्रोइंग फंगस भी कहा गया है। योगी सरकार में फेरबदल की अटकलें तेज, अरविंद शर्मा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। प्रदेश में भाजपा सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंडलीय दौरों के बीच सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों से लेकर कई मंत्रियों के बदले जाने की खबरें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाने की खबरें वायरल हो रही हैं। इससे राजधानी में सियासी तापमान भी बढ़ गया है। हालांकि देर शाम केशव ने खुद साफ कर दिया कि वह लखनऊ में ही मौजूद थे। 41 दिन बाद 2 लाख से कम कोरोना मरीज मिले, राष्ट्रीय रिकवरी दर हुई 89.26%। देश में कोरोना की दूसरी लहर में भले ही अब दैनिक संक्रमित मामले कम हो रहे हों, लेकिन वैक्सीन की कमी अभी भी बहुत बड़ी चिंता बन गया है। कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के भी कई मामले देश में दर्ज किए गए हैं। सोमवार को देश में येलो फंगस का भी एक मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। वहीं देश में 41 दिन बाद कोरोना के दैनिक मामले 2 लाख से कम आए हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज़ के साथ।
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।